आज साइंटिफिक सॉल्यूशन में आपका फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों ने उसे बहुत अच्छा सारा सराहा भी है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों की मुझ तक पहुँची हैं और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी लोगों ने मुझ तक पहुँचाए हैं, तो मैं तहे दिल से मेरे सभी इस चैनल को देखने वालों को, व्यूअर्स को मैं थैंक्स कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो सीरीज़ को पसंद किया। और अब आते हैं मेरे कमिटमेंट की तरफ, कि जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, तो उसी में ये स्टार्टिंग का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कि देखिए मेरे दोस्तों, आजकल सोसाइटी के अंदर एक बहुत डर का माहौल बना हुआ है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं, एक रूमर्स चल रहा है और बहुत स्टूडेंट्स को डराया जा रहा है कि आपको कैसे आपकी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल आप मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और बहुत अच्छी डिटेल्स मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने 10वीं की है या बाबा अभी 12वीं में है या 11th में है, 11वीं में है या अभी वो 10वीं में है और वो सोच रहे हैं कि मैं आगे क्या करूँ, तो सबसे पहले तो देखिए, एक मैं स्टार्टिंग आर्ट्स स्ट्रीम से करना चाहता हूँ कि एक बहुत अफवाह फैली हुई है कि आर्ट्स वालों के लिए बहुत कुछ है ही नहीं मार्केट में करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आपके लिए सामने देखिए एक MRNIT करके एक ऑप्शन है आपके सामने, इसको मानव रचना नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। ये 100+ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए नेशनल वाइज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ऑल इंडिया में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप आफ्टर 12th आर्ट्स कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में देखिए, फिर बाद में आपके सामने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज है, इसका भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जो NCH MCT JEE के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शन है कि जो अपना अपने आप को होटलिंग फील्ड में या अपने करियर को कैटरिंग फील्ड में, होटलिंग फील्ड में, होटल मैनेजमेंट फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके लिए है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन और है कि जिसको टेक्सटाइल फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना हो, है ना, ड्रेसिंग वगैरह या फिर बहुत अच्छा उसका, उसके माइंड के अंदर इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, उसका ग्राफिक्स बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकता है बंदा या बंदी, तो वो NIFT के थ्रू अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है तो वो इस एप्टीट्यूड टेस्ट को कराते हैं और ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसके कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं NIFT के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद में देखिए कि अगर आप आपका माइंड ये है कि आप अब्रॉड जाके एजुकेशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप SAT दे दीजिए। तो SAT में क्या होता है कि बेसिकली जो US जाके अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि वो IELTS देके और फिर बाद में SAT दे दे और वो किसी भी, फिर US की किसी भी यूनिवर्सिटी में वहाँ जाके वो एडमिशन ले सकता है और वो अपने करियर को बहुत अच्छा बूम दे सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, फिर बहुत अच्छा ऑप्शन है CLAT होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये भी ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। ऐसे तो स्टेट लेवल पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते रहते हैं लॉ के लिए, लेकिन ये नेशनल लेवल का है, इसको CLAT कहा जाता है। ये 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की जिसके अंदर ये एडमिशन्स लेने के लिए ये प्रोसीजर है कि उसको CLAT होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तो आपके माइंड से निकाल दीजिए कि मैं
आर्ट्स लेके बैठा हूँ या मैं मुझे आर्ट्स करना है, तो एक लोगों ने ये दिमाग में बना लिया है कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये आपके सामने मैंने ऑप्शन बता दिए हैं। अब देखिए कि अगर आप कॉमर्स लेके चल रहे हो या आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर आपका आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर माइंड मैपिंग की पावर है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आप कहीं पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर सकते हो। और इसके बहुत सारे बेनिफिशियल्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता ही है, जो लेना चाहते हैं, और जो नहीं लेना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के बाद इसकी डिटेल्स निकाल लें। इसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि हम कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी देखिए उसको कहते हैं कि जो मैनेजिंग बॉडीज होती हैं उसके बाद में जो काम कंपनी में होता है वो सेक्रेटरी लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल है, आप सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। इसके साथ में देखिए फिर वापस से वही कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने आर्ट्स वालों के लिए बताई थी कि आप जो है तो MRNIT के थ्रू 100 प्लस कोर्सेस आप कर सकते हो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, है ना। उसके बाद आप CLAT दे सकते हो, वो भी कॉमन ही है, वो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, है ना। उसके बाद में देखिए एक 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 नई चीज़ इसमें यह है कि एक बैंगलोर की यूनिवर्सिटी है, अलायंस यूनिवर्सिटी, तो वो जो है तो उसके खुद के नाम से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलती है लॉ के एडमिशन के लिए, अलायंस कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आप ये भी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। NIFT का ऑप्शन आप लोगों के सामने खुला है, प्लस NCHMCT का ऑप्शन आपके सामने खुला है, और प्लस देखिए एक एडिशनल चीज़ मुझे अभी याद आ गई वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि अभी जैसे जो नया टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है तो उस टैक्सेशन सिस्टम को भी आप लोग सीख सकते हो, है ना। तो इसके साथ ही देखिए फिर अगर आप साइंस ले रहे हो या साइंस कर रहे हो तो साइंस के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे माइंड के अंदर और सोसाइटी के अंदर साइंस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बेसिकली लोगों को पता ही होता है। लेकिन मैं इसमें कुछ नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक तो देखिए सबसे पहले तो आप MRNIT के थ्रू आप 100 प्लस कोर्सेज दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए JEE मेन होता है, JEE एडवांस होता है, ये स्पेशली इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए होता है, और इसमें जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनका बेसिकली देखा जाए तो IITs में इसका एडमिशन्स हो जाते हैं, IITs के बाद जो VITs होती हैं उसमें एडमिशन्स हो जाता है, उसके बाद फिर वो एज पर रैंक वो उसके इंजीनियरिंग के लिए टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ और टॉप मोस्ट कॉलेजेस में उसका सिलेक्शन हो जाता है JEE मेन और JEE एडवांस के बाद, ठीक है। उसके बाद में देखिए नाटा है, नीट है, नीट का तो आप लोगों को पता ही होगा, तो नीट में भी आप देखिए अच्छा स्कोर करोगे तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, है ना। और फिर प्लस उसके बाद देखिए मेडिकल में अगर आपको जाना है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि एम्स, अभी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे एम्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप इस एम्स के एप्टीट्यूड टेस्ट को देख के आप डायरेक्टली एम्स में एडमिशन ले सकते हो, है ना। उसके बाद में देखिए आपके लिए एक ऑप्शन और है कि आप 12th साइंस करने के बाद भी आप जो है LLM वगैरह कर सकते हो, LLB कर सकते हो, CLAT दे सकते हो, या फिर स्टेट लेवल का लॉ के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद में ALT होता है देखिए। उसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस जो है ये भी 12th साइंस वाले बच्चों को एक्सेप्ट करता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो साइंस लेके चल रहे हैं उनके लिए कि ये डिफेंस में अगर जाना चाहते हैं बिफोर ग्रेजुएशन तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। उसके बाद आप SAT दे सकते हो, जैसा कि इसके पहले बताया कि अब्रॉड जाने के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है, और प्लस होटल मैनेजमेंट की तो अपॉर्चुनिटीज़ इसके सामने है ही,
है ना। और देखिए दोस्तों, अब ये जो चीज़ें मैंने बता दी, अब इससे रिलेटेड जो बेसिकली चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में एंट्रेंस टेस्ट है, या फिर इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, या पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, लॉ के लिए है, तो हम आने वाले वीडियो सीरीज जो है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, इसके अंदर हम इन चीज़ों को लाने वाले हैं कि किस तरह से आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है और उसका प्रिपरेशन कैसा करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और होप करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए और दूसरों तक इसको शेयर कीजिए, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके।